आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी रचनाएं और अपनी बातचीत यहाँ आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं। आप सब लोग अधिकतर मुझसे अपरिचित हैं, इसलिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। 1981 से लेकर 2019 तक कॉलेज शिक्षा सेवा में रहने के उपरांत मैं सितंबर 2019 में प्राचार्य पीजी गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू से सेवानिवृत्त हुई हूँ और अब जयपुर में ही स्थायी रूप से रह रही हूँ। मेरी रचना यात्रा मेरे बच्चों को कहानी सुनाने से आरंभ हुई, और क्योंकि एकल परिवार होते हैं, रोजाना नई कहानी सुनने की बच्चे जिद करते थे, और बाद में मैंने इन्हीं कहानियों को लिखना आरंभ कर दिया। और इन्हीं कविताओं, उनके लिए जब कोई भी चीज़ जो बच्चों को आकर्षित करती है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो चांद हो, तारा हो, टॉफ़ी हो, या पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो जो बच्चों को पसंद आता है, उस पर मैंने कविताएं भी लिखनी शुरू की। और इस तरह मेरी 1999 से लेकर 2010 तक लगभग एक दर्जन बाल कविता और बाल कहानियों की पुस्तिकाएं प्रकाशित हुईं। इसके बाद मेरे दो कविता संग्रह और एक कहानी संग्रह भी आया, और फिर मैंने बच्चों के लिए भी हार्ड बाउंड दो कविता संग्रह और दो कहानी संग्रह मेरे प्रकाशित हुए। इसी बीच बहुत सारी कविता और कहानी की पुस्तकों में, आलोचना की पुस्तकों में भी कई मेरे सहभागिता रही। लघु कथा संग्रह कई प्रकाशित हुए जिनमें मेरी सहभागिता रही, और अब इस समय एक लघु कथा संग्रह और एक बाल उपन्यास प्रेस में है। आप सबका स्वागत है, जो भी देर से जुड़े हैं उनका भी। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से अपनी बात आरंभ करूँ। तो बच्चों को के लिए मेरे बहुत सारा साहित्य प्रकाशित हुआ है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चों को कहानी और कविता सुनाने और सिखाने और पढ़ने की आदत डालने का उनके व्यक्तित्व विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि इससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है, उनकी कल्पनाशीलता विकसित होती है, संवेदनशीलता विकसित होती है। तो इसलिए बच्चों के लिए कहानी और कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे उनका शब्द भंडार भी समृद्ध होता है और इसके साथ साथ उनकी भाषा का भी विकास होता है। तो मैं सबसे पहले, आजकल बरसात का मौसम है और हर दिन बादल होते हैं, बरसात होती है, एक कविता बादल पर सुना रही हूँ बच्चों के लिए, हालांकि यहाँ बच्चे नहीं हैं। कविता का शीर्षक है जादूगर बादल। बादल हैं या हैं जादूगर, बादल हैं या हैं जादूगर, भांति भांति के रूप बनाते, कभी बने कजरारे काले, कभी श्वेत बगुले बन जाते, कभी बने गजराज गरज कर हाथी जैसा शोर मचाते, पल में ही बन जाते घोड़ा, सरपट नभ में दौड़ लगाते, पंछी जैसे पंख पसारे, नीलांबर में छू हो जाते, तभी शिशु बनकर नन्हे से शैतानी कर शोर मचाते, देर नहीं लगती पल भर में, देर नहीं लगती पल भर में, बच्चे से तुम बने कबूतर, इसीलिए तो कहती हूँ मैं मेघ नहीं तुम हो जादूगर। तो ये तो अभी के समय के अनुकूल कविता थी बच्चों के लिए, और इसी तरह मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी लोरी और पहेलियाँ भी लिखी हैं। पहेलियों के साथ ही मैंने पहेली कविता भी लिखी है, जिससे कि बच्चों की एकाग्रता और दिमाग को दौड़ाने की क्षमता, दिमाग से काम लेने की क्षमता भी विकसित होती है। स्वागत है भाग्यम जी। ये पहेली कविता है और
आप भी देखिए कि इसका क्या जवाब है। सर्दी गर्मी आंधी बरखा, सर्दी गर्मी आंधी बरखा, खड़ा खेत में रक्षा करता, चिड़िया तोते पंछी सारे निकट न आते डर के मारे। कभी तो पहने धोती कुर्ता, सिर पर साफा पहने रहता, किसी खेत में है यह नारी, पहने सुंदर ब्लाउज साड़ी, तनिक न चलता ना चिल्लाता, तनिक न चलता ना चिल्लाता, पशु पक्षी पर रौब जमाता, फसल सुरक्षित सुखी किसान, बच्चों बोलो क्या है नाम, अकल के घोड़े तुम दौड़ाओ, अकल के घोड़े तुम दौड़ाओ, सोचो सोचो उत्तर पाओ। तो ये छोटे बच्चों के लिए एक पहेली कविता है, उत्तर आप सब लोग समझ ही गए होंगे, बिजू का है इसका। इसी तरह बच्चों के लिए कहानी तो आप जानते हैं कि बच्चों को कितनी पसंद होती है और सुनना उन्हें कितना अच्छा लगता है, इसी तरह पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है कहानी, और कहानी किताबों में से ही पढ़ी जाती है। आजकल तो और भी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हमारे समय में किताबें ही पढ़ी जाती थी। लेकिन किताबों को बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो संभाल के नहीं रखते हैं, तो इसी पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है बच्चों के लिए, जिसका शीर्षक है पुस्तकें भी रोती हैं। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे अपने अपने बस्ते लेकर खुशी से झूमते हुए बाहर निकलने लगे। सब घर जाने की जल्दी में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। सब कमरों पर ताले लगाकर चौकीदार भी अपनी कोठरी में चला गया। सांझ होने लगी थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें गूंज रही थीं, सूरज पहाड़ियों के पीछे विश्राम के लिए जा चुका था। स्कूल की लाइब्रेरी में एक अलमारी में छोटे बच्चों के लिए किताबें थीं। पुस्तकालय के सन्नाटे में उस अलमारी से आती हुई आवाजें गूंजने लगीं। सबसे ऊपर के शेल्फ में बच्चों की कहानियों की किताबें बातें कर रही थीं। सुंदर सुंदर चित्रों से सजी कहानियों की एक किताब दूसरी किताब से कह रही थी, देखो बहन, बच्चे मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते, एक लापरवाह और शैतान बच्चे ने तो मेरा बहुत सुंदर कवर पेज ही फाड़ दिया, देख रही हो ना तुम क्या हालत बना दी है मेरी। दूसरी किताब सुबकते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छी हालत में हो दीदी, मुझे देखो, मेरे तो पेज ही गायब हो गए हैं, कुछ बच्चों ने सुंदर चित्रों के लालच में पेज ही काट लिए हैं। ऐसा कहते हुए विवश लाचार किताब की आंखों में आंसू आते। पहली किताब ने दूसरी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ तो हम सबकी लगभग एक सी हालत है, सबकी एक ही व्यथा थी, इसलिए आपस में बात करके सब अपना दिल हल्का करना चाहती थी। बीच वाले शेल्फ की कविताओं की किताबें भी कहाँ चुप रहने वाली थी, मजेदार कविताओं वाली किताब अब बोल ही पड़ी। मेरी कविताओं को सुनकर बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन मुझे भी इन बच्चों ने अपना शिकार बनाया है, देखो कैसे जगह जगह पेन के निशान बने हुए हैं, मेरे सुंदर से तन को जगह जगह लिख कर कैसा बदसूरत बना डाला है, मुझे तो बहुत ही शर्म आती। उसे चुप देखकर एक कार्टूनों की किताब बोलने लगी, तुम सबको अपना अपना दुख बड़ा लग रहा है, लेकिन मुझ पर दृष्टि डालोगे तो पता चलेगा कि अपने प्रिय कार्टूनों को अपने पास ज्यों का त्यों रखने के लिए मेरे शरीर पर ब्लेड से वार किया गया, और अब मेरा शरीर कार्टून बुक के स्थान पर एक कंकाल जैसा रह गया। उसकी यह दशा देखकर सचमुच सबकी आंखें भर आईं। तभी एक पुस्तक कुछ याद करते हुए दुख से बोली, हमारा सुंदर होना, हमारा मजेदार होना हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, जिन बच्चों के लिए हमें बनाया गया है वे ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, भला ऐसे कैसे जीवित रह पाएंगे हम लोग। अब तक काफी रात हो गई थी, नन्हे तारे अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रहे थे, अब भी पुस्तकें आपस में दुख बांट रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों के लिए उन्हें बनाया गया है वही बच्चे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार आखिर क्यों करते हैं। एक नन्ही सी किताब भोलेपन से बोली, क्या बच्चों के मम्मी पापा उन्हें कुछ नहीं सिखाते कि वे किताबों से प्यार करें, उन्हें संभाल कर रखें, क्या उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि ड्राइंग कॉपी में चित्र बनाए जाते हैं किताबों पर नहीं। आप लोग देखिए, मेरे हर पेज पर पेंसिल से ही नहीं रंगों से भी चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों के कारण मुझ पर लिखी कहानी पढ़ी भी नहीं जा सकती। जब कोई बच्चा मुझे कहानी पढ़ने के लिए ले जाता है तो उसे बड़ी निराशा होती है।
बहुत देर से किताबों का दुखड़ा सुन रही एक साफ सुथरी सुंदर और लगभग नई सी लग रही किताब अब अपने पर संयम न रख सकी। उसने उन सब के विपरीत अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, वैसे तो मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, आपकी बातें सुनने पर मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आप देख रही हैं कि मैं आज भी बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, जबकि मुझे अब तक कितने ही बच्चे घर ले जाकर पढ़ चुके हैं। न तो मुझ पर पेन पेंसिल के निशान हैं और न ही रंगों के, न मुझ पर सब्जी के धब्बे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे ने मुझे खाना खाते समय नहीं पढ़ा है। यहाँ तक कि मेरा आगे पीछे या बीच में से कोई पेज नहीं फाड़ा गया, किसी ने ब्लेड या कैंची से भी मेरे किसी चित्र को काटने की कोशिश नहीं की। मैं उन सब बच्चों की ऋणी हूँ और मुझे अपनी स्थिति पर गर्व भी है। जब उस किताब ने अपनी बात समाप्त की तब सभी किताबों के चेहरे पर उसके प्रति ईर्ष्या का भाव था, और साथ ही वे यह सोच रही थी कि काश हमें भी ऐसे अच्छे बच्चे पढ़ते तो हमारी यह दुर्दशा न होती। रात बढ़ती जा रही थी, लगभग सबकी परेशानियां सामने आ चुकी थी, समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तभी एक समझदार पुस्तक ने सबको संबोधित करते हुए सबको संतुष्ट करने के स्वर में कहा, हम सब अपनी अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर चुके हैं, रात बहुत हो चुकी और अब हम सबको सो जाना चाहिए। काश हमारी ये बातें बच्चों तक पहुंच पाती। जो नहीं जानते कि पुस्तकों के साथ बुरा व्यवहार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब सभी पुस्तकें अपना दुख बांटने के बाद भारी मन से सोने चली। तो ये कहानी थी पुस्तकें भी रोती। अब पिछले 2-4 दिन पहले ही मैंने एक कविता लिखी थी, आपके साथ साझा कर रही हूँ। अभी इस बीच आने वाले सभी जुड़ने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता का शीर्षक है, स्त्री पेड़ क्यों बन जाती है। स्त्री भी पेड़ ही होती है, मायके में अंकुरित होती है और धीरे धीरे पौध बन जाती है। पौध बनने पर रोप दिया जाता है उसे ससुराल में, फिर बन जाती है वह पेड़ घना, छतनार, छायादार, पल्लवित, पुष्पित, फलदार, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत ही गहरी गहरी चली जाती हैं। हिला नहीं सकता कोई उसे, हमेशा नतमस्तक, संस्कारों या काम के भार से नहीं करती प्रहार, हमेशा नतमस्तक संस्कारों या काम के भार से वह नहीं करती प्रहार, हमेशा सहती है वार, मायके से लेकर आई है यही सीख, मायके से लेकर आई है यही सीख, इसी घर की चार दीवारी में है उसकी जड़ें और इसी घर में उसे जीना है, यहीं मरना है, यहीं फलना है, यहीं मुरझाना है, लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाना है, पैर होते हुए भी कदम नहीं बढ़ाना है। कभी कभी जैसे दूसरे हरे वृक्षों को काटते हैं, कभी कभी काट दिया जाता है असमय या जला दिया जाता है उस पेड़ को, फिर उस घर में नहीं होती छांव, फिर उस घर में नहीं होती छांव, नहीं होता प्रेम और करुणा का ठांव, नहीं होती पायलों की आहट, नहीं होती पायलों की आहट, नहीं होती चूड़ियों की खन खनाहट। तब यही सोचती हूँ मैं आखिर क्यों स्त्री पेड़ बन जाती है, आखिर क्यों स्त्री पेड़ बन जाती है। तो ये एक कविता थी, हाल ही में लिखी गई, और अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने तब लिखी थी जब स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए इसको उसी पर्सपेक्टिव में, उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। महानगरों में जहाँ पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और एकल परिवार हैं, फ्लैट में लोग रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वहाँ बच्चों की बड़ी परेशानी रहती है, और इस कहानी में इसी समस्या पर
फोकस किया गया। तो कहानी है सपना जो सच हो गया। शुभी स्कूल बस से उतरकर जल्दी जल्दी फ्लैट तक पहुंची। 9 वर्ष की शुभी ने चाबी निकालकर ताला खोला और दरवाजा बंद कर दिया। थकी हुई नन्ही बच्ची का स्वागत करने के लिए केवल खाली घर था। घुसते ही टीवी चला दिया शुभी ने। कम से कम कुछ तो आवाजें सुनाई देंगी जिससे घर की नीरवता और अकेलेपन के कम होने का एहसास होगा। टीवी के ऊपर ही रिमोट के नीचे दबा हुआ एक कागज रखा था, जरूर माँ ने लिखा होगा। जल्दी से पढ़ना शुरू किया शुभी ने। मम्मी ने लिखा था, प्यारी प्यारी शुभी, टेस्ट तो अच्छा हुआ होगा ना, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? एक सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत कर लेना। तुम्हारी पसंद की मिठाई और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में है, जरूर खा पी लेना। मन तो करता है जब तुम स्कूल से आओ मैं हमेशा तुम्हें घर में मिलूं, लेकिन तुम तो समझती हो ना बेटा, मेरी अच्छी बिटिया, घर आने पर ढेर सी बातें करूंगी। तब तक खाओ पियो, पढ़ो खेलो और अपना ध्यान रखो। तुम्हारी मम्मी अंजना। मम्मी का पत्र पढ़ते ही एक बार लगा कि वह मम्मी से ही बातें कर रही है। उसका चेहरा प्रसन्नता की आभा से दीप्तिमान हो उठा। शुभी के मम्मी और पापा इंजीनियर हैं और दोनों ही उसके स्कूल जाने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। वह तो 2 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन वे दोनों शाम 7 बजे से पहले नहीं आ पाते। कुछ समय पहले तक तो आया घर में रहती थी, लेकिन जब से यह आया लगभग 6 माह पहले छोड़कर गई है, तब से अकेली ही रहती है शुभी घर में। शुभी के पेट में चूहे कूद रहे थे। सुबह 8 बजे का बना हुआ खाना ठंडा हो चुका था। माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके टीवी के सामने बैठकर उसने खाना शुरू किया। क्या बेकार के प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, शुभी स्वयं से ही बातें करने लगी। इन टीवी वालों को अच्छे प्रोग्राम भी बनाने नहीं आते। अकेलेपन से उपजी चिड़चिड़ाहट उसके दिल दिमाग पर छाने लगी। उधर की जठराग्नि शांत होने पर कुछ खेलने की इच्छा हुई शुभी की। अपने सारे खिलौने निकालकर बिखेर लिए उसने कमरे में। गुड़ियों से ही बातें करने लगी, कभी सुलाती, कभी टीचर बनकर उन्हें पढ़ाती और टीचर बनकर बड़ी खुश हो। थोड़ी ही देर में उसका रोल बदल गया और वह टीचर से मम्मी बन गई। जल्दी से गुड़ियों को खाना खिलाकर उन्हें लोरी गाकर सुला दिया। तब तक शुभी की पलकें भी बोझिल होने लगी थी। ध्यान आया कि खाने की जल्दी में उसने यूनिफॉर्म भी नहीं बदली है। कोई बात नहीं, बाद में बदल लूंगी, उबासी लेते हुए उसने सोचा और अपनी गुड़ियों के पास ही गद्दे पर निद्रा देवी की गोद में पहुंच गई। उसने देखा एक परी उसके सामने खड़ी है। कितनी सुंदर परी है, सुनहरे सुनहरे पंख, स्वर्णाभूषण और यहाँ तक कि उसकी रत्नजड़ित स्वर्ण जूतियां भी थी। शुभी को देखकर परी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, बोलो क्या मांगती हूँ। शुभी ने एक पल भी सोचे बिना परी से कहा, मैं स्कूल से आने के बाद हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और कहा, जादू का है ये वरदान, पूरा होगा यह अरमान। और शुभी ने देखा कि वह स्कूल से लौट रही है। बस सड़क पर रुकी तो मम्मी ने लपक कर उसका बस्ता ले लिया और वह मम्मी से बातें करते करते घर पहुंच गई। मम्मी ने उसकी पसंद की पिंक कलर की ड्रेस अपने हाथों से उसे पहनाई और डाइनिंग टेबल पर शुभी की पसंद का खाना लगाया। मम्मी, आपके हाथ के बने खाने का तो जवाब ही नहीं। अपनी पसंद की मलाई कोफ्ते की सब्जी खाते हुए शुभी चहकते हुए बोली, क्या बात है, बहुत ही मक्खन लगा रही है आज। नहीं मम्मा, सच कह रही हूँ, और ये ठंडी ठंडी केसर बादाम वाली खीर, इसका अमृत जैसा स्वाद। माँ, क्या जादू है आपके हाथों में, अगर आप रेस्टोरेंट खोल लें तो लाइन लग जाएगी खाने वालों की, पुलिस बुलानी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए। बस बस, अपनी माँ को चढ़ा रही हो चने के झाड़ पर, चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों बेडरूम में पलंग पर लेट गए। शुभी स्कूल की बातें सुनाती रही। स्कूल में तब शुभी ने मम्मी से कहानी सुनने की फरमाइश की और सुनते सुनते ही सो गई। शुभी की नींद खुली तो उसे लगा कि माँ रसोई घर में कुछ काम कर रही है। शुभी भी रसोई में माँ की कमर में हाथ डालकर लटक गई। क्या कर रही हो मम्मा, हरदम काम करती रहती हो, थोड़ी सी देर भी आराम करती नहीं हो, प्यार से चिपकते हुए शुभी बोली, ये देखो अंगूर का जूस बनाया है तुम्हारे लिए, कितना सुंदर रंग है इसका और स्वाद, बस पीते ही रह जाओगे, नाटकीय मुद्रा में अंजना बोली, लो जल्दी से पी जाओ।
फिर होमवर्क भी तो करना है, मैं जल्दी से करवा दूंगी और लर्न भी तो करना है ना कल के टेस्ट के लिए। चलो बी ए गुड गर्ल। हाँ मम्मा कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज हम चिल्ड्रंस पार्क चलेंगे, पापा के घर आने से पहले लौटना भी तो होगा, तब तो बहुत मज़ा आएगा। मैं खूब झूला झूलूंगी और मस्ती करूंगी, कितना मज़ा आता है आपके साथ घूमने में। शुभी के शब्दों में हर्ष मिश्रित उत्साह छलक रहा था। शुभी ने फटाफट होमवर्क किया और मम्मी ने उसे सुंदर सी फ्रॉक पहनाई। मम्मी ने हल्के हरे रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी और जूड़ा बनाया। लिपस्टिक लगाकर मम्मी कितनी सुंदर लगती हैं, जितने बच्चों की मम्मी उसने आज तक देखी है उन सबसे ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर है मेरी मम्मी, शुभी सोच रही थी। कार में बैठते हुए शुभी बोली, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी किसी काम से थोड़ी देर के लिए भी आप चली जाती हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी। अब तक पार्क आ गया था, शुभी दौड़कर सीधे झूले पर बैठ गई। अंजना उसे झुलाने लगी, तभी वह अचानक झूले से फिसल गई और गिरकर रोने लगी। रोते रोते उसने देखा वह तो अपने खिलौनों के साथ ही सो गई थी। ओह ये तो केवल सपना ही था, कितना अच्छा सपना था, काश ये सपना सच हो जाता। उसने घड़ी की तरफ नजर डाली, 4 बज चुके थे, अभी होमवर्क भी करना है। मैथ्स की एक्सरसाइज करने लगी तो पहली प्रॉब्लम पर ही अटक गई। अब कैसे करूं, चलो साइंस का काम कर लेती हूँ, लेकिन डायग्राम बनाना है, और काफ़ी कोशिश करने पर भी बन ही नहीं पा रहा। उसका मूड ऑफ हो गया, मम्मी की हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता, अब तो उनके आने तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा, या फिर पापा से पूछ लेती हूँ। शुभी ने पापा को फ़ोन किया, पापा ने जवाब दिया, बेटा मैं ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, और हाँ मैं आज घर देर से आऊँगा, गुस्से में फ़ोन पटक दिया शुभी ने। कोई बात नहीं, मम्मी से ही बात कर लेती हूँ, ये सोचते हुए वह नंबर मिलाने लगी। मम्मी किसी से बहुत ही ज़रूरी बातें कर रही थी, उसे लगा उसकी बात सुने बिना ही बोलने लगी। क्या बात है बेटा, सॉरी आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारी होमवर्क की प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकती, हैव ए नाइस डे, आई विल टॉक टू यू लेटर। मम्मी के फ़ोन रखने के साथ ही शुभी की सब्र का बांध टूट गया। किसी को मुझसे प्यार नहीं, पापा मम्मी दोनों केवल ऑफिस से प्यार करते हैं, ऑफिस का काम ही सब कुछ है उनके लिए। शुभी बड़बड़ा रही थी लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए बच्चे होते हुए भी इसकी व्यर्थता को समझते हुए चुप हो गई और खिलौनों में से वीडियो गेम उठाकर खेलने लगी। पर पता नहीं क्यों बड़ी बोरियत से होने लगी उसे। उसने सोचा चलो कुछ खा लेती हूँ, क्रीम बिस्किट और चिप्स निकालकर खाने लगी। उसने फ्रिज में से ठंडा पानी निकालकर शरबत बनाया, साथ ही टीवी पर प्रोग्राम देखने लगी। तभी घंटी बजी, कौन आया होगा शुभी सोचने लगी। मन में सोचा डरने की क्या बात है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, लेकिन मन के किसी कोने में डर की भावना उसे दबोचने लगी। पर उसने डर को यथासंभव दूर करते हुए सोचा, दरवाजे में चेन लगी है तब क्यों डर रही हूँ मैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पड़ोस के घरों में भी तो ताले लगे हुए हैं, यहाँ मैं केवल अकेली हूँ, सोचकर डर और अधिक बलवान हो गया। इस बीच दोबारा घंटी बज चुकी थी, शुभी जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी, कहीं बच्चों को किडनैप करने वाला होगा तो, पर मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी तो मुझे कैसे ले जाएगा आखिर पकड़कर, सोचकर कुछ हिम्मत महसूस हुई उसे। लेकिन अब भी लग रहा था कि पता नहीं दरवाजा खोलने पर किस डरावने व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। स्टूल रखकर की होल में से बाहर देखा और पूछा तो पता चला कोरियर है, दरवाजा खोलकर चेन लगे हुए ही साइन किया और लिफाफा ले लिया। स्वागत है कल्पना जी। घड़ी देखी, अब तो मम्मी आने ही वाली हैं, बस थोड़ी देर है, तब तक दादी से बात कर लेती हूँ शुभी ने सोचा। डायरी में से नंबर देखकर मिलाया, हेलो दादी शुभी बोल रही हूँ, क्या कर रही हो दादी, तेरे लिए एक स्वेटर बना रही हूँ तेरी पसंद के गुलाबी रंग का। आप कितनी अच्छी हो दादी, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो, मैं कितनी अकेली रहती हूँ दिन भर, आप यहाँ आ जाओगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं रोजाना रात को आपसे कहानियाँ सुनूंगी, आपके हाथ के बने बेसन के लड्डू और पकौड़े खाऊंगी और हम दोनों साथ साथ मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन बेटा दादाजी को छोड़कर मैं कैसे आ जाऊँ, अकेले रह जाएंगे ना दादाजी, दादी ने बोला। इतने बड़े हैं दादाजी, अकेले नहीं रह सकते क्या, उन्हें भी डर लगता है दादी, मैं तो इतनी छोटी हूँ तब भी अकेली रहती हूँ, आप भी मुझको प्यार नहीं करती, नहीं बात करूंगी आपसे भी, कहते हुए फोन पटक दिया शुभी ने। अभी दादी की बात से नॉर्मल भी नहीं हुई थी शुभी कि फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया, अंजना बोल रही थी। हाँ बेटा सब ठीक है ना बेटा,
देखो आज मैं घर देर से आऊँ, लेकिन मम्मी पापा भी देर से आएंगे, शाम हो गई है, रात होने वाली है, मैं अकेली कैसे रहूँगी, मुझे बहुत डर लगता है रात में। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, पर आज तो बहुत ही ज़रूरी काम है। बेटा मैं जल्दी नहीं आ सकूँ, मेरी बहादुर बेटी, एक डेढ़ घंटे की ही तो बात है, हैव करेज। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मी, मेरा मन भी नहीं लग रहा है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं केक लाई थी ना, और सेब संतरे भी रखे हैं, उनसे काम चलाओ बेटा, अभी बताओ क्या लाना है तुम्हारे लिए, मैं लौटते हुए ले आऊँगी। प्लीज़ बेटा मम्मी की प्रॉब्लम समझो, और अगर बोर हो रही हो तो ड्राइंग बना लो, म्यूज़िक सुनो, डांस करो। गुस्से से शुभी अवश हो रही थी, आप रात को भी ऑफिस में रहो, मैं अकेली रह लूँगी, नहीं करना मुझे कुछ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। शुभी स्वयं को कितना अकेला और असुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मी के प्रति क्रोध और अपनी विवश स्थिति के कारण शुभी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। असहाय स्थिति में रोने के अतिरिक्त और क्या विकल्प होता है, यह जानते हुए भी कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, वह अपने आवेग को रोक नहीं पाई, स्वयं से ही बातें करने लगी। जब मम्मी पापा मेरे साथ थोड़ी देर भी नहीं रह सकते तो क्यों नहीं मुझे हॉस्टल भेज देते, कम से कम मैं दूसरे बच्चों के साथ रहूंगी, यहाँ घर में रहते हुए भी मुझे जेल जैसी महसूस होती है, सब कुछ है यहाँ लेकिन कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं, कोई खेलने वाला नहीं। मैं पार्क में खेलना चाहती हूँ, समुद्र के किनारे दौड़ना चाहती हूँ, फूलों को छूना चाहती हूँ, रेत में घर बनाना चाहती हूँ, तितलियों को देखना चाहती हूँ, चिड़िया की तरह मुक्त रहना चाहती हूँ। मैं घर में बंद, डरी डरी, सहमी सी, अकेली नहीं रहना चाहती, पर उसके सोचने बोलने की क्या सार्थकता थी। दीवारों से टकरा कर प्रतिध्वनि केवल स्वयं उसके कानों तक पहुंच रही थी। शुभी की नन्ही हिरनी जैसी चंचल अखियों से अविरल अश्रुधार बह बह कर उसके वस्त्रों को भिगो रही थी, लेकिन नन्ही सी बच्ची के आंसू पहुंचने, प्यार से पीठ सहलाने या सिर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं था। रोते रोते उसे खांसी आने लगी, सुंदर सुंदर आंखें लाल होकर सूज गईं और गला बैठ गया। अब वह रोते रोते थक गई थी और रुदन का स्वर क्रमशः मंद से मंदतर होता चला गया। धीरे धीरे थकने के कारण उसे झपकी आने लगी, वह नींद के आगोश में समा गई। थोड़ी सी देर में जब उसकी नींद खुली, उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी, इन्वर्टर भी खराब पड़ा था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बादल गरज रहे थे, आसमान में बिजली चमकने पर ही कुछ प्रकाश दिखाई देता था, हवा बड़े जोर से चल रही थी जिससे खिड़कियों के पर्दे पक्षी के पंखों की भांति फड़फड़ा रहे थे। लगता था कि बहुत जोर से तूफान आएगा। शुभी को वैसे भी बिजली चमकने से बहुत डर लगता था, उस पर यह अंधेरा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी रसोई में कोई बर्तन गिरने की आवाज आई, अंदर तक सिहर गई वह बहस, जरूर घर में कोई घुस आया है, उससे ही यह बर्तन गिरा है, अब वह चोर या फिर बच्चों को उठाने वाला मेरे कमरे की तरफ आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। ओ गॉड, मुझे बचाओ, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मन ही मन उसने सभी देवताओं का स्मरण किया। शुभी को रसोई से कमरे की ओर बढ़ती हुई पदचाप सुनाई दे रही थी। इस समय जैसे उसकी समस्त इंद्रियों की शक्ति कानों में सिमट आई थी। बाहर तूफान और बादल, बिजली का भयंकर कोलाहल था, और इधर बालकनी में एक बिल्ली बैठी थी जिसकी चमकती हुई आंखें माहौल की भयावहता को और अधिक बढ़ा रही थी। रसोई से कमरे की ओर पदचाप बढ़ती चली जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई आकृति हिल रही है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही है। शुभी जोर से चिल्लाना चाह रही थी लेकिन आवाज उसका साथ दे ही नहीं रही थी। उसे लगा वह आकृति उसके पास बैठ गई है और अब बस उसके हाथ उसके गले तक पहुंचने ही वाले हैं। अब तो एक ही विकल्प शेष था। अपनी सारी शक्ति संचित करके वह जोर से चिल्लाई, बचाओ, और तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। अंजना बदहवास से चिल्ला रही थी, शुभी दरवाजा खोल बेटा, क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चीखी, मेरा दिल अनिष्ट की आशंका से बैठा जा रहा है। शुभी बोल बेटा, तू ठीक तो है, लाइट नहीं है इसलिए घबरा गई क्या, हिम्मत रख बेटा, शाबाश, उठ उठ बेटा। बेटी की चीख से होश उड़ गए थे अंजना, कहीं सच में तो कोई अंदर नहीं घुस गया है। एक पल में ही बच्चों के साथ, विशेषकर लड़कियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं जो अब तक उसने पढ़ी सुनी थी उसके मानस पटल पर कौन देगी। स्वयं को ही सांत्वना देने के लिए सोचने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शुभी काफ़ी समझदार है, उसने ऐसे ही किसी को अंदर नहीं घुसने दिया होगा, शायद ऐसे ही डर गई। अनिल को भी आज ही देर से आना था, कोई उम्र है बच्चे की अकेले रहने की, ऊपर से तूफान का मौसम और लाइट गुल, कितने दिन से इन्वर्टर ठीक कराने की सोच रहे हैं, समय ही नहीं मिल पाता, इस नौकरी ने भी नाक में दम कर रखी है। एक सेकेंड में कितना कुछ सोच गई और सुबकने लगी अंजना, खोल बेटा, उठ,
नहीं तो कुछ बोल दो। तभी लाइट आ गई और शुभी ने देखा वहां कोई नहीं है। उसकी चेतना लौट आई और उसे समझ में आ गया कि यह भ्रम था उसके मन का। मम्मी दरवाजा खटखटाई जा रही है, उसने ध्यान से सुना तो समझ आया। वह उठी, अभी तक दरवाजा नहीं खुला था लेकिन बिजली के प्रकाश से अंजना को कुछ राहत मिली। अनिल भी आ गए थे, उन्होंने सुबकती हुई अंजना के कंधे पर धीरज बंधाने के लिए हाथ रखा। तभी दरवाजा खुला और दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों शुभी से माफी मांग रहे थे। सॉरी सॉरी बेटा, आज हमें देर हो गई, देखो हम अपने कान पकड़ रहे हैं। पर शुभी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। जब अंजना ने उसे गोद में उठाया तो वह मछली की तरह उसके हाथों से फिसल कर जमीन पर उल्टी लेट गई और उसने किसी से बात नहीं की। वह रूठी हुई थी। लेकिन बेटा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, दोनों एक साथ बोले। नहीं चाहिए मुझे कुछ, आप दोनों बहुत गंदे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। घंटों से दबा हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा। आप मुझे हॉस्टल भेज दीजिए या दादी के पास भेजिए, मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। पर बेटे हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं मुझसे? झूठ बोल रहे हैं आप दोनों, आप लोग केवल अपने ऑफिस को प्यार करते हैं। क्यों आए हैं अब, जाइए जाइए ऑफिस में सोइए, आपको मेरी प्रॉब्लम से क्या करना है। मुझे आपकी लाई हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप दोनों बहुत ही बुरे हैं, दुनिया के सबसे बुरे मम्मी पापा। किसी के भी पास वक्त नहीं मेरे लिए, मैं नहीं बोलूंगी आप लोगों से। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें देकर मुझे खुश करना चाहते हैं, नहीं चाहिए मुझे ये सब चीज़ें। शुभी दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा कर रोने लगी। अपनी उम्र से अधिक परिपक्व बातें कर रही थी शुभी। अंजना और अनिल किन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रोती हुई बेटी को देख रहे थे। कैसे समझाएं बेटी को जिसने दोनों को अपराधी की तरह अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक ओर ममता और मातृत्व था और दूसरी ओर नौकरी। अनिल तो फ्रेश होने बाथरूम में चले गए थे लेकिन अंजना अब भी वहीं चित्रलिखित सी खड़ी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी रूठी बिटिया को मनाए और बेटी के साथ रहने को प्रेरित कर रहा था। पर कहीं यह भावुकतापूर्ण जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तो नहीं होगा, उसके अंतर मन ने प्रश्न किए। जब फिर तुम्हारी तकनीकी शिक्षा, डिग्री, स्वतंत्र वजूद का क्या होगा? तुम केवल माँ और पत्नी बनकर रह जाओगे? तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो अंतर्मन, मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख सकती, मेरा मन उसकी पीड़ा के लिए मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे बच्ची है, आज अंधेरे के कारण कुछ घबरा गई है, कल ठीक हो जाएगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा निर्णय मत लो जल्दबाजी में जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। वैसे भी महानगर में रहते हुए बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, भविष्य में उसकी आवश्यकताएं पूरी करना केवल एक वेतन में कैसे संभव होगा? तुम केवल भावना में बहकर निर्णय लेने जा रही हो, एक माँ होने के नाते भी तुम पर अपनी बेटी के अच्छे पालन पोषण का दायित्व है, यह मत भूलना। और क्या अनिल तुम्हारे निर्णय से सहमत होंगे? हाँ वे अवश्य सहमत होंगे, वे कभी मेरे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते। कैसा अंतर्द्वंद है, मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रही, अंजना ने सोचा। लेकिन रूठी हुई बिटिया के ने निर्णय को आसान बना दिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, वह यह नौकरी छोड़ेगी नहीं, केवल आधे दिन की नौकरी करेगी जिससे बेटी भविष्य में कभी परेशान न हो। शुभी के स्कूल से आने पर वह या नौकरी मेरी बेटी से ज्यादा तो नहीं है ना, यह सोचते ही वह अपराध भाव से मुक्त होने लगी और उसके दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया। मुक्त हृदय से अंजना ने शुभी को बाहें फैलाकर गले से लगा लिया। अब तक उसका भी गुस्सा कम हो गया था। उसने माँ को प्यार से जकड़ लिया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ मम्मी, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, बहुत डर लगता है मुझे, मैं आया के साथ भी नहीं रहूंगी। अपना अहम और क्रोध छोड़कर शुभी सरल हृदय से बोल उठी। अंजना का मन भर आया, बेटी को प्यार से चूमते हुए बोली, अब कभी अकेली नहीं रहेगी मेरी बेटी, जब भी स्कूल से आएगी हमेशा मुझे घर पर पाएगी। सच मम्मी, सच बेटा, प्रॉमिस बेटा, गॉड प्रॉमिस। हाँ भाई हाँ, गॉड प्रॉमिस। अंजना के ये कहते ही शुभी प्रसन्नता से नाचने लगी, उसके चेहरे पर जैसे सैकड़ों गुलाब खिल उठे थे। बेटी को प्रसन्न देखकर अंजना भी फूली नहीं समा रही थी। अनिल दूर से सब कुछ देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि जो बात वे अंजना को बरसों में नहीं समझा पाए थे शुभी ने समझा दी थी कुछ ही मिनटों में। कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई, मुझे बताओगे नहीं? क्यों नहीं, मेरा हमेशा मम्मी के साथ रहना सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुभी ने खुशी से उछलते हुए कहा। अनिल ने घोषणा की, आज तो फिर हो जाए शानदार पार्टी और लॉन्ग ड्राइव। तीनों ही बहुत खुश थे, अंजना के निर्णय ने जैसे तीनों की झोली प्रसन्नता से भर दी थी। तनाव और चिंता के बादल छंट गए थे। शुभी सोच रही थी आखिर सपना सच हो ही गया, परी की जादू की छड़ी
का कमाल लगता है ये, वरदान पूरा हो गया परी का। कमाल है, सपने भी सच हो जाते हैं। शुभी का मन स्वप्न से वर्तमान के मध्य सेतु बना रहा था। शुभी इससे पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। प्रसन्नता की किरणें जैसे उसके चेहरे से फूट रही थी। वह मम्मी की गोदी में सिर रखकर ही कार में लेटी थी। उसे माँ की गोद में असीम शांति और अपार आनंद मिल रहा था। यह उसके लिए किसी सपने के समान था। अकेलेपन की पीड़ा से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी। कार तेज गति से सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क पर बढ़ती हुई कार में तीनों की हंसी गूंज रही थी। तो ये कहानी थी सपना जो सच हो गया। कल्पना जी और भाग्यम जी का धन्यवाद मेरा प्रोत्साहन, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। अब मैं, इतना समय है क्या कि मैं एक कहानी और पढ़ सकूं? देवेंद्र जी बताएं जरा, क्या एक कहानी और पढ़ी जा सकती है या फिर एक कविता पढ़ करके मैं समाप्त करूं? देवेंद्र जी, ठीक है, मैं एक कविता सुना रही हूँ। ये कविता मैंने अभी कोरोना काल में ही लिखी है, जबकि परेशानियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं और परेशानियों को मैंने एक अलग ही नज़रिए से देखा है। कविता का शीर्षक है परेशानियाँ। परेशानियों का स्वागत है, परेशानियों का स्वागत है, कितनी दमखम मुझे बताओ। परेशानियों को चुनौती दी जा रही है, कितनी दमखम मुझे बताओ, क्या कर सकती जरा दिखाओ, हारोगी तुम मान भी जाओ, परेशानियों का स्वागत है। चाहे जितना मुझे सताओ, चाहे जितना जोर लगाओ, मुझे तोड़कर तो दिखलाओ, परेशानियों का स्वागत है। परेशानी हालांकि परेशान तो करती ही है, इसीलिए उनका नाम परेशानी है। तो इसलिए अगली पंक्ति में मैंने यही कहा है, संभव है आंसू आ जाए, संभव है आंसू आ जाए, लेकिन मुझे तोड़ ना पाए, लेकिन मुझे तोड़ ना पाए, सोना तप कुंदन बन जाए, परेशानियों का स्वागत। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी, तुमको अवसर मान लिया है, तुमको अवसर मान लिया है, देखो कितना मान दिया है, फिर आओगी कब, बतलाओ, परेशानियों का स्वागत। तो ये मेरी कविता थी परेशानियों का स्वागत है। और अब 6:15 होने वाले हैं और अंत में मैं अपनी एक लघु कथा सुना देती हूँ, जिसका शीर्षक है आंसुओं की भाषा। सुबह रामवती घर से काम करने के लिए निकली तो उसका पोर पोर दुख रहा था। मन तो बिल्कुल नहीं था बिस्तर से उठने का, लेकिन घर में रोते रहने से तो नहीं चल सकता ना। रात को शराब पीकर कितना मारा था उसके पति ने। याद करते ही पति के प्रति घृणा का भाव चेहरे पर दिखाई देने लगा। चार लोगों से बोल बतिया कर मन ठीक तो हो जाएगा, अपनी कोठरी में पड़ी रहेगी तो कौन उसका दुख दर्द बांट लेगा। अपने शरीर पर पड़े नील देखकर पीड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना दुख भूलकर वह घरों में काम करने के लिए चल दी। अपने पल्ले से आंसू पहुंचते हुए उसने बड़े से गेट को खोला। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। साहब, मैम साहब की रोने की घुटी घुटी सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। सहम सी गई रामवती, घंटी बजाए कि नहीं 5 मिनट असमंजस में ही खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर घंटी बजा ही दी। घंटी की आवाज से अंदर से आने वाले स्वर शांत हो गए। कुछ देर बाद और बाहर निकल गए। उसने डरते हुए घर में प्रवेश किया। मैम साहब उड़कर लेटी हुई थी। वह चुपचाप अपना काम करने लगी। जब उसका काम समाप्त हो गया तब मैम साहब ने कहा, जरा मेरी मालिश कर दे रामवती, बहुत दर्द हो रहा है, गिरने से चोट लग गई। मैम साहब की रोने से सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वे साफ झूठ बोल रही हैं, लेकिन रामवती ने भी कुछ पूछा नहीं और तेल से धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगी। उनके शरीर पर तो उससे भी ज्यादा निशान थे। रामवती और मैम साहब दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों बिना कहे आंसुओं की भाषा से अपना दुख बांट रहे थे।
तो ये कहानी थी, लघु कथा आंसुओं की भाषा। आज इस मंच से जुड़ने के लिए, जोड़ने के लिए जन सरोकार मंच को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जितने भी जो भी दर्शक यहाँ हैं, जो भी श्रोता यहाँ हैं, उन सबकी भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय इस कार्यक्रम में दिया। आभार।